यार ये रखे SR21 ब्लॉग। हेलो हेलो, मुझे लगा एनएस कोई मतलब कोई लड़का चला रहा है इतनी बढ़िया। वेलकम बैक टू द KSR21 व्लॉग्स गाइस। जैसा कि आपने देखा कि कल हम लोग नोएडा से रुड़की तक आए थे, मैं और रोतेला मेरे पीछे ही आ रहा अभी फिलहाल। सो आज हम लोग जा रहे हैं भाई घूमने के लिए देहरादून मसूरी। सो सबसे पहले जो हमारा मैं इसको बता रहा कि भाई हम लोग देहरादून जाएंगे। सो बेसिकली क्या है कि मसूरी में इसको लेके जाऊंगा। फिलहाल तो हाईवे कवर करते हैं यार। सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ बाइक में यार, पता यही है स्पीडोमीटर फिर से काम नहीं कर रहा है। अभी जो सेंसर की दिक्कत है ओ यार, दिस इज सो रॉन्ग रोतेला, दिस इज सो रॉन्ग भाई। ये क्या था यार, मैं तेरे को कह रहा हूँ ये सिंगल रोड है, आराम से चल आराम से भाई। पहले करवाएंगे रिफ्यूलिंग। फाइनली गाइस मैं और रोतेला निकल चुके हैं राइड के लिए और 9 बज रहे हैं गाइस। फटाफट हमें पहुंचना पड़ेगा देहरादून। मौसम फिलहाल ठीक है, हल्की सी माइल्ड सी धूप है तो हम लोग चल रहे हैं धूप में ही और पूरा मजा आ रहा है गाइस। और रोतेला की बाइक इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है फिलहाल, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। गोल्डन नेम्स इसने चमका रखे हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो बाइक चलाते हुए यार आधा घंटा होने वाला है और हम लोग पहुंचने वाले हैं बिहारीगढ़ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वहां से यार पूरे माउंटेन्स चालू होंगे तो वहां पे लेंगे पहले एक ब्रेक। आफ्टर वन ब्रेक हम लोग निकल रहे हैं यार, अब सीधा सीधा आगे देहरादून के लिए। यहां से सीधा कॉर्नरिंग वगैरह मजे लेते हुए अपना थोड़ा सा पहाड़ों के फिर निकलते हैं। तो आफ्टर ब्रेक दोबारा से निकल चुके हैं। रोतेला को बता रहा हूँ कि भाई बंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देख के चलाइए थोड़ा सा। बढ़िया चला रहा लड़का, ये बात रोतेला। तो गाइस ये नया डबल पुल बन चुका है, पहले सिंगल था तो काफ़ी दिक्कत होती थी, डबल बना दिया इन्होंने, अच्छा है। तो फिलहाल यार टनल पार कर ली है, ISBT पहुंचने वाले हैं। आगे हमारे NS जा रही है, रैंडम है, बढ़िया चला रहा रोंडा। वेलकम टू उत्तराखंड का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। देहरादून फिलहाल पहुंच चुके हैं, ठीक है गाइस। एंड यहाँ से यार रोतेला बताएगा यार पहले उसकी मौसी के यहाँ जाना है या फिर पहले हम लोगों को राइड पे जाना है। ओ मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, गड्डी उत्ते चोर आया भाई। गड्डी चोरनी नहीं है हमें, गड्डी चलानी है। वहां क्यों रुके हैं भाई ये लोग, ये मतलब क्या चल क्या रहा है यार ये। चलो यार अब वहाँ रुकूंगा तो फिर यार ट्रैफिक वाले पी करेंगे। सो देख लो भाई, की हो गया जी। अरे बात क्या है यार, क्या बात कर रहा है। तो यार देखो यार कुछ लोग मिले राइडर्स लोग। अब मेरा फादर एक्सपोर्टिंग इन रामपुर था। रामपुर का इधर के मैंने पूछा वहां पे मिले, यहां पे मैंने यूके में मिले, यूके में मेरा ऑफिस है अंतर पता है।
अच्छा मुझे लगा एनएस कोई मतलब कोई लड़का चला रहा है इतनी बढ़िया। नहीं मेरा बेटा है। नहीं नहीं अभी अभी आप चला रहे थे ना पीछे से, पर अच्छी चला रहे थे, मेरे को लगा कोई लड़का लेके गया है। नहीं हम लोग भी उधर ही ब्लॉगिंग करते हैं बेसिकली, पर मैं उत्तराखंड से ब्लॉग करता हूँ तो भाई को घुमाने लाया था मैंने कहा चल बढ़िया बढ़िया मेरा घर है इधर। अच्छा यहाँ भी राठौर रोड पे। अच्छा वहीं जा रहे हैं हम लोग। हम भी मैं भी वहीं घर ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा कैमराज बंद हो गए वहाँ के। हाँ तो वही देखने जा रहा हूँ कि हुआ कैमरा बंद हो गए, लाइट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे। अच्छा 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 वही देखने के लिए मैंने कहा संडे राइड पे जाएगी बेटा चलते हैं। मैंने वो आपके जो पीछे वो पढ़ रहा था, मैंने वो आपका 21 व्लॉग कर। हाँ कैसा बेटे को बोल रहा था मैंने, दोनों आपस में एक दूसरे के सब्सक्राइब कर दो। श्योर 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 हम लोग जो राइड मारते मारते शेयर करेंगे, घर पे आ जाएंगे कभी। मैंने कैम अरे गाजियाबाद से इनका घर जो है देहरादून में है, और अंकल जी राइड कर रहे थे, इनके फादर है भाई, इतनी अच्छी राइड कर रहे थे। मैं सोच रहा कि ये लड़का ही राइड कर रहा है यार एनएस, मुझे यकीन नहीं होता। बेसिकली भाई राइड करता है और भाई ब्लॉगिंग चैनल नया बनाया, चैनल का नेम देख लो स्टीव लाइव कैप्चर है, और आपको अगर ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करो भाई को, ठीक है ना। संडे का दिन है और देखो यार ब्लॉगर्स मिल ही जाते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। एंड गाइस एंड अभी जा रहे हैं हम सीधा सीधा मसूरी की तरफ, क्लॉक टावर पहले आएगा देन फिर पहुंच जाएंगे हम मसूरी, और भाई को करवाते हैं राइड। और ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहो यार एक दूसरे को ना, तभी अच्छा लगता है ना। अपने राइडर फैमिली एकदम तगड़ी रहनी चाहिए। सेम मैं एक ही रखता हूँ। देखो यार अंकल बहुत बढ़िया राइड कर रहे हैं, यकीन मानो एग्जॉस्ट भी मेरे को लग रहा है एग्जॉस्ट लगा रखा है अंकल, फुल मौज में यार क्या बोलूँ भाई क्या बोलूँ। हम लोग एग्जॉस्ट नहीं लगाते बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार अपने को लगता है सीधे चलान का डर। भाई देखो अपने को बहुत लॉन्ग ट्रिप पर जाना है, कहीं बाइक के साथ कोई पंगा नहीं चाहिए, ठीक है ना। आई गेस यार कुछ तो है यार, मतलब साउंड थोड़ा सा लगा मेरे को एनएस में, है ना। सो अभी मैं एनएस के थोड़ा सा करीब आया तो मुझे पता चला यार एग्जॉस्ट नहीं है। हेलो हेलो पायलट, मैं नेत्रराम आई केयर पे। नेत्रराम आई केयर तेरे घर के पास आ गया तू? हाँ जाए रविंदरपुरी का बोर्ड लगा है, हाँ वहीं पे खड़ा हूँ। तो वहीं सो भाई फाइनली पहुँच गए हैं दोस्त के यहाँ पे, भाई साफ सफाई चल रही है। सैंडी भाई हमारे भैया नहीं नहीं छोटा सा लग रहा है ना, ये छोटा पैकेट नया धमाका है। और बता कैसा है, ऑन ही तो है। अबे यार भाई यार बोला भाई यार तुमने ऑन कर रखा। भाई जी देखो हमारे पुराने भाई जी हैं हमारे, बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। सो गाइस अभी यहाँ से थोड़ा सा थोड़ी देर में निकलेंगे और राइड पे आपको मजे दिलवाते हैं गाइस। फिलहाल अभी हल्का सा ब्रेक लेते हैं भाई के रूम पे रुक के, ठीक है ना। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग रवि रौतेला के मौसी के यहाँ पे। सो पहले मौसी से मिलते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग जाएंगे राइड पे। अच्छा जनतन वाला के लिए जाना है, जनतन वाला ब्रदर यार यार ये रखे SR21 व्लॉग्स, नाइस बाइक यार, मैं भी यही लेने वाला था पता है, लेकिन पता है हैंडलिंग बहुत नीचे है इसकी, पूरा लाल हो जाता है ये ऐसे में। यही तो इसकी ना हैंडलिंग ऊपर है इसलिए मेरे को फिर मैंने चेंज ही नहीं करी। आप लिखो KSR 21 लिखो यार, ग्लव्स पहन रखे हैं। एक बात बताऊँ मुझे जनतन वाला जाना है यार, कहाँ के लिए? जनतन वाला तो शायद यहाँ से सीधा जाओगे गड़ी पहुँचोगे, हाँ वहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे तो वो हाईवे वाली लेन उधर से पहुँचोगे। अच्छा 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 ओके। ट्वेंटी वन लिख देना बस, 21। चलो थैंक यू ब्रो, मिलते हैं, नाइस टू मीट यू। गड़ी कैंट तो सारा ही गड़ी कैंट है जी। सो गाइस फिलहाल मौसी के यहाँ से निकल गए, देखो मौसी का घर ये रहा भाई, थोड़ा सा बस ब्रेक लिया हल्का सा, और अब दोबारा से निकल गए अपने दोस्त गुड्डू को उठाते हैं गड़ी कैंट से, उसके बाद जाएंगे हम लोग
घूमने।